दिस इज ब्रजेश यार और आप देख रहे हैं CABA इन्फोमेंट। क्या सैलरी में HRA का पूरा कंपोनेंट टैक्सेबल होगा? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप दूंगा जो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप अगर रेंटेड एकोमोडेशन में नहीं भी रहते हो फिर भी आप अपना HRA क्लेम करके उसका इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों, इनकम टैक्स के केस में जब HRA का कंप्यूटेशन किया जाता है तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू होता है। क्या HRA की एग्जेम्पशन मिलेगी या एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो वो उसका अमाउंट कितना होगा, कैसे मिलेगी, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पर HRA की एग्जेम्पशन मिलेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम अपने फैमिली मेंबर को रेंट का पेमेंट करते हैं तो भी हमें HRA की एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे HRA को वेरीफाई कैसे करता है? ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में HRA का डिडक्शन देने से मना कर दे, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये सारे इश्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो का पूरा बेनिफिट उठाने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। अब कई बार ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय ने जो एकोमोडेशन या हाउस का रेंट पे किया है उसके ओनर दो है, यानी के दो लैंडलॉर्ड है, तो जो आप रेंट एग्रीमेंट करें उसमें दोनों लैंडलॉर्ड का नाम और उनका पैन नंबर भी डालिए। आपको दोनों ही लैंडलॉर्ड का नाम और पैन नंबर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भरना पड़ेगा और इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा। अगर आपने एक का बताया और दूसरे का नहीं तो आपको सिर्फ एक को ही जो रेंट पेमेंट किया है उसका डिडक्शन मिलेगा, दूसरे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आप दोनों ही अपने लैंडलॉर्ड्स को आधा आधा रेंट हर महीने पे कीजिए अलग अलग। आप अगर आपका 50,000 रुपए महीने का रेंट है तो 25,000 रुपए दोनों लैंडलॉर्ड को अलग अलग पेमेंट कीजिए हर महीने। एक चीज और ध्यान रखने की है आपके लिए कि आप जिस शहर में सर्विस कर रहे हैं उसी शहर का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रह रहे हैं मुंबई में और रेंट एग्रीमेंट आपने पुणे का लगा दिया, ये नहीं चलेगा। या फिर आप रह रहे हैं दिल्ली में और रेंट एग्रीमेंट आपने मेरठ का लगा दिया। कहने का मतलब है कि जो आपकी रेंटल अकोमोडेशन है या हाउस है वो आपके ऑफिस के आसपास होनी चाहिए, जिसकी अप्रोच आप विद इन 1 से 2 घंटे में बाय रोड या बाय ट्रेन कर सकते हो। वहां पहुंचने के लिए आपको एक दिन लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मैंने होम लोन ले रखा है, उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा या नहीं, जबकि मैं एक रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहा हूं और मैं HRA का भी डिडक्शन क्लेम करना चाहता हूं, तो क्या ये दोनों चीजें एक साथ मुझे मिलेंगी या नहीं? तो अगर आपने जिस प्रॉपर्टी पर लोन ले रखा है आप उसका पोजीशन ले चुके हैं और आप उस पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपको एज ए डिडक्शन मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप
अगर एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं और उस पर आप रेंट भी पे कर रहे हैं तो उसका एचआरए डिडक्शन भी आपको मिलेगा। चाहे आपकी हाउस प्रॉपर्टी जिस पर कि आपने लोन ले रखा है वो सेम शहर में है, बशर्ते आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं और रेंट पेमेंट करते हैं। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपने अपना रेंट एग्रीमेंट भी अपने एम्प्लॉयर को दिया, अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी दिया और रेंट रिसीट भी दी जो आपने रेंट पेमेंट किया है उसकी, लेकिन फिर भी आपका एम्प्लॉयर कहता है कि मैं इन सबसे सेटिस्फाई नहीं हूं और वो आपको एचआरए का डिडक्शन नहीं देता है आपकी सैलरी में से, वो कहता है मैं तो नहीं दूंगा। तो क्या ऐसे एचआरए का डिडक्शन आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, इसकी कहीं भी मनाही नहीं है। और ऐसे केस में आप अपने एचआरए का डिडक्शन डायरेक्टली अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। और ऐसे केस में आपके एम्प्लॉयर ने जो आपका एचआरए का डिडक्शन ना देकर जो ज्यादा टीडीएस काट लिया है आपकी सैलरी पर से, उसका भी रिफंड आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ये ध्यान रखिएगा कि एचआरए का डिडक्शन आपका बोगस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट इसको आजकल क्रॉस वेरीफाई भी करता है। जब आप अपने रिटर्न में डायरेक्टली एचआरए क्लेम करेंगे तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास एक मैसेज भी आए कि आपने जो एचआरए क्लेम किया है उसका प्रूफ आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दीजिए, क्योंकि जो एचआरए की टैक्सेबल फिगर आपके फॉर्म 16 में आपके एम्प्लॉयर ने दिखाई है और जो आपने अपने रिटर्न में दिखाई है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन रेंट पेमेंट को ही एज ए एचआरए डिडक्शन क्लेम कीजिए और अपने रिटर्न में क्लेम कीजिए, अदरवाइज नहीं। पीछे ये देखा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कि बहुत सारे लोग बोगस एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, इसलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पास ऐसे सिस्टम्स लगा दिए हैं जिससे वो इनको क्रॉस वेरीफाई भी करता है उन लोगों के रिटर्न के साथ जिनको आपने वो रेंट पेमेंट दिखाया है। तो अगर आप कोई डिडक्शन एडिशनल क्लेम करेंगे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो कि आपके फॉर्म 16 में नहीं है सैलरी से संबंधित, तो उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाएगा, चेक किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और उसका प्रूफ भी मांगा जाएगा आपसे, और उसी के बाद आपको रिफंड इश्यू किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में आपको एचआरए पे ही नहीं करता है, तो क्या आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा? आपका इनकम टैक्स सारी सैलरी पर चार्ज किया जाएगा? दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं और फिर भी आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इनकम टैक्स डिडक्शन मिल सकता है और वो है अंडर सेक्शन 80GG और वो है ₹5,000 पर मंथ और ₹60,000 पर एनम या एक्चुअल रेंट पेमेंट बाय यू विच एवर इज लोअर। तो ये आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो ध्यान रखें और इसको जरूर क्लेम करें। इसका डिडक्शन आपको आपका एम्प्लॉयर नहीं देगा आपकी सैलरी में से, ये आपको खुद क्लेम करना पड़ेगा
अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत सारी बार ये देखा गया है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ और वाइफ अपनी हस्बैंड के साथ एक रेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो उनको रेंट पेमेंट करते हैं। देखिए, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है और इसलिए आपको इसे अवॉइड करना चाहिए और इस तरह के ट्रांजैक्शन पर आपको एचआरए का कोई भी बेनिफिट जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं मिलेगा एचआरए का। हालांकि कुछ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स ने इस संबंध में एसएससी के फेवर के ऑर्डर्स पास किए हैं और उसमें उनके हिसाब से अगर हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को रेंट एक्चुअल में पेमेंट किया है तो उस कंडीशन में वो एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक ऐसी बोनस टिप शेयर करता हूं जिसमें कि आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और वो भी बिना रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हुए। और वो बोनस टिप ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर में रहते हैं, यानी कि जिस घर में आप रहते हैं वो आपके पेरेंट्स का है और आप उनको रेंट का पेमेंट करते हैं, तो आप अपने एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं और उस पर टैक्स भी सेव कर सकते हैं, चाहे वो रेंट आप अपने फैमिली मेंबर्स लाइक मदर या फादर को ही क्यों ना पेमेंट कर रहे हो, जिनके नाम में वो मकान है जिसमें आप रहते हैं और आप उनको रेंट पे कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रांजैक्शन आपका जेन्युइन ट्रांजैक्शन होना चाहिए और ये सिर्फ टैक्स चोरी के लिए नहीं होना चाहिए, नॉट विद द इंटेंशन टू इवेड द टैक्सेस। इस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं, आपको वो रेंट अपने पेरेंट्स को ही पे करना पड़ेगा। इस तरह से ये जो रेंट आप पे करेंगे वो आपके घर में ही रहेगा और साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स का डिडक्शन भी मिल जाएगा, जिससे कि आपका इनकम टैक्स भी सेव हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट करें, उसे साइन करें और नोटराइज करा के रखें, उनको रेंट मंथ टू मंथ बेसिस पर पे करते रहें, जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो रेंट आपने अपने पेरेंट्स को पे किया है, आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, वो आपके बैंक अकाउंट से आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में जरूर जाना चाहिए। और साथ ही साथ आप जिन पेरेंट्स को, मदर या फादर को रेंट्स पेमेंट कर रहे हैं, उनका भी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिए और उसमें इस रेंट पेमेंट की इनकम को एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी दिखाइए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पेरेंट्स का पैन नंबर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है, जिनको आप रेंट पेमेंट करते हैं और वो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ता है कि आप किसको पे कर रहे हैं, कितना रेंट पे कर रहे हैं और उनका क्या पैन नंबर है, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्रॉस वेरीफाई भी किया जाता है कि उनको जो रेंट पे किया गया है वो आपके पेरेंट्स की इनकम में दिखाया भी गया है या नहीं। अगर आपने अपने पेरेंट्स का रिटर्न नहीं भरा तो इसकी दिक्कत आपको भी आ सकती है बाद में और आपके पेरेंट्स को भी, जिनको आपने वो रेंट का पेमेंट दिखाया है, भले ही
वो टैक्सेबल लिमिट से कम हो। इसलिए मेरी आप सभी को यही एडवाइस होगी कि आप अपने पेरेंट्स का भी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरें जिन्हें आप रेंट पेमेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप उन्हें जो रेंट पेमेंट कर रहे हैं वो 50,000 रुपए महीने से ज्यादा है तो उस पर 5% TDS काट कर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराएं। हालांकि ये आपको साल में सिर्फ एक बार ही जमा कराना पड़ता है पूरे साल का। तो दोस्तों ये थी वो सारी सावधानियां जो आपको बरतनी है अपने HRA का डिडक्शन क्लेम करते समय, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना चाहिए जब आप HRA का डिडक्शन क्लेम करते हैं। अगर HRA के संबंध में अभी भी आपकी कोई और क्वेरी या और कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको दूंगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए यूजफुल साबित होगी, तो इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सर्कल्स और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।